वैसे तो हमारे देश में फूलों को धार्मिक कार्यक्रम के अलावा साज सज्जा के कामों में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आए दिन होने वाले बड़े आयोजन में फूलों से की जाने वाली डेकोरेशन में आकर्षण रंग बिरंगे फूलों की भारी डिमांड होती है। इसलिए फूलों की खेती किसानों को कम वक्त में बढ़िया मुनाफा दे जाती है। वहीं गेंदे का फूल भी कुछ इसी तरह की फसल है। इस फूल की खेती में आप कुछ हज़ार रुपए लगाकर आसानी से लाखों रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। जिले के इस प्रगतिशील किसान ने गेंदा के फूल की खेती में लागत के हिसाब से अच्छा मुनाफा हो रहा है, जिसके लिए वो कई सालों से गेंदा की खेती करके लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। बाराबंकी जिले के सायपुर गांव निवासी हरीश चंद्र धान गेहूं के साथ गेंदा के फूलों की खेती की शुरुआत की, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। आज करीब 2 बीघे में गेंदे के फूल की खेती कर रहे हैं। इस खेती से लगभग उन्हें एक फसल पर 1.5 से 2 लाख रुपये मुनाफा हो रहा है। गेंदा के फूल की खेती करने वाले किसान हरीश चंद ने बताया, धान गेहूं आदि की खेती में लागत भी निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने गेंदा के फूलों की खेती आधे बीघे से शुरुआत की, जिसमें हमें अच्छा लाभ देखने को मिला। आज हम करीब 2 बीघे में गेंदा के फूलों की खेती कर रहे हैं और इस खेती में जो लागत की बात करें तो 1 बीघे में 8 से 10 हज़ार रुपये के आसपास आती है और मुनाफा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये हो जाता है, क्योंकि इस खेती में लागत कम मुनाफा ज़्यादा है, क्योंकि शादियों के सीजन में इसकी ज़्यादा मांग रहती है और ये महंगे रेट में भी जाता है। बस इसकी देखभाल करना गर्मी के सीजन में ज़्यादा ज़रूरी रहती है। गेंदा की खेती करना बहुत ही आसान है। पहले खेत की जुताई की जाती है, उसके बाद खेत में हम नई बेड बना देते हैं, फिर गेंदा के पौधे को 1-1 मीटर की दूरी पर लगा देते हैं, फिर इसकी सिंचाई की जाती है। थोड़े दिनों बाद गोबर व कंपोस्ट खाद मिलाकर पेड़ों में डाली जाती है, जिससे पेड़ जल्दी तैयार हो जाता है। वहीं पेड़ में लगाने के महज 2 महीने के बाद फूल निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे तोड़कर इसकी बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि ये फसल करीब 6 महीने तक चलती है। मेरा हरीश चंद नाम है। मैं पहले धान वान की खेती करता था और शाहपुर में रहता हूँ। धान वान की खेती करते थे, उसमें कोई खास ज़्यादा मुनाफा नहीं होती थी, लागत वागत निकल जाती थी। और उसके बाद मुझे इस गेंदा की खेती के बारे में पता चला, तो इसको आधे बीघे से शुरू किया और इसमें लागत भी कोई खास ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन प्रॉफिट अच्छी होती है अगर रेट मिल जाए तो। अब इस समय 2 बीघे हैं हमारे पास, ये गेंदा लगा हुआ है और 1.5 से 2 लाख रुपए इसकी बचत हो जाती है साल में, तो इसलिए गेंदे की खेती हम करते हैं। और धान वान की खेती बहुत कम होती है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। इसमें 1 बीघे में लगभग कितनी लागत लग जाती है? अरे 1 बीघे में 8 से 10 हज़ार रुपये की लागत आती है और प्रॉफिट 1 लाख रुपये के ऊपर हो जाती है, 1.5 लाख रुपये हो जाती है। 1 मीटर की दूरी पर पेड़ लगते हैं, इसके जोतवा करके उसकी मेड़ बना करके और पानी भर के एक मीटर की दूरी पर पेड़ लगा दिए जाते हैं। और उसके बाद में खाद वाद जो है, गोबर की खाद और डाया वाया कंपोस्ट खाद मिला करके एक मिट्टी में और रख दिया जाता है पेड़ों के पास, फिर मिट्टी लगा दी जाती है और फिर अपना चलते रहते हैं पेड़, ये सिंचाई होती रहती है। लगभग कितने दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है? ये 1 से 2 महीने में फूल आ जाते हैं, इसमें लगाने के बाद 1 से 2 महीने में फूल चलने लगते हैं और फिर चलती है 6 महीने।